आज हम मौजूद हैं कानपुर के अकरी गांव में। आपको बता दें यह गांव कानपुर मुख्यालय से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर है। यह वही अकरी गांव है जहां पर जो इस वक्त पूरे देश भर में नहीं बल्कि विदेशों तक में चर्चा में बने हुए हैं प्रेमानंद महाराज जी, ये उन्हीं का जन्म स्थान है, उनका जन्म इसी गांव में हुआ है। आपको बता दें ये वही गलियां हैं जहां पर महाराज जी का बचपन बीता है, ये वही खेत है जहां पे वे बचपन में खेलते कूदते थे, अपना समय बिताते थे। आज हमारे साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं, उनके पारिवारिक सदस्य मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कैसे महाराज जी का बचपन यहाँ से रहा है, कैसे क्या यहाँ पे वे करते थे। आज हमारे साथ क्या उनके बचपन से जुड़ी कुछ बातें बताइए हम लोगों को। क्या बचपन से जुड़ी बातें ये हैं कि ये यहाँ पर 13 साल की अवस्था में यहाँ जो इच्छा के अनुसार बचपन से वो भगवान में ज्यादा आस्था है। जिस प्रकार से उभरे एक आदमी से ना उसके बाद वो संसारी जो माया जो है छोड़ के फिर संसार था। तो इसकी जो 13 साल की उम्र में यहाँ से चले गए तो अकेला गए थे यहाँ तो जैसे उन्होंने बचपन से ही भागवत का उन्हें पढ़ने का शौक, ज्ञान अध्ययन करना उनका एक काम था। इसी प्रकार से उन्होंने जब गीता में पढ़ा कि सब लोग कोई नहीं संसार में रुकने वाला है, माता पिता भी चले जाएंगे, तो उन्होंने मन में विचार किया कि हम अकेले संसार में क्या करेंगे ना, इसमें माया में बस करके सबसे उन्हें अच्छा ही लगा कि संन्यास दान जिससे कि उनका नाम पहले क्या था और अब जब भी उनको नया नाम मिला इसके पीछे की क्या कहानी। उनका यहाँ का नाम था श्री अनुज और अब हम लोगों को यही मालूम है कि वृंदावन से जो नाम उनका है गुरुदेव भगवान का, तो वही नाम और इसके पीछे का क्या राज है। ये हमारे साथ उनके पारिवारिक सदस्य भानु जी मौजूद थे जो बता रहे थे किस प्रकार से जो महाराज जी का बचपन है वही इसी अकरी गांव में बीता, उनका जन्म यही हुआ है, ये वही गलियां हैं जहाँ पर उन्होंने अपना पूरा 13 वर्ष की उम्र तक की आयु में जो अपना समय व्यतीत किया है इन्हीं गली इन्हीं खेतों इन्हीं खलियानों में व्यतीत किया है। आज वह पूरे देश में बल्कि दुनिया में एक सबसे बड़े संत के रूप में बन रहे हैं, दुनिया को फॉलो कर रही है, जिस प्रकार से वह लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, वह चर्चा में रहते हैं। यह गाँव है, यहाँ के जो लोग हैं उनकी भी अपार आस्था उन पर है और लोग भी ग्रामीणों का भी यही कहना है कि महाराज जी की वजह से आज वह लोग जाने जा रहे हैं, यह पूरा गांव जाना जा रहा है, यह पूरा शहर जाना जा रहा है। मैं अखंड प्रताप सिंह, न्यूज 18 कानपुर।